सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में कहा, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे असहमत हैं, मैं भी उनसे असहमत हूं, मैं उनसे लड़ूंगा, कोशिश करूंगा और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार देता हूं। मैं मोदी को देखता हूं, जब वे मुझे गालियां देते हैं मुझे लगता है कि उन्हें गले लगा लूं। सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कारोबारी तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सरकार से जवाब मांगा। बेंच ने कहा कि वो इस मामले में विचार करेगी। हिंदी की मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती का शुक्रवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात पंजाब प्रांत में हुआ था। ये क्षेत्र अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के वक्त तो उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया था। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और शिमला में हुई। सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुकेश अम्बानी, पलुंजी मिस्त्री, शिव नडार, दिलीप सांघवी समेत देश के 10 बड़े अमीरों की संपत्ति 4 राज्यों की जीडीपी और 6 मंत्रालयों के बजट के बराबर है। एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 3.31 लाख करोड़ रुपए है। ये राशि ओडिशा की जीडीपी की 95% है। पलुंजी मिस्त्री की नेटवर्थ हिमाचल प्रदेश की जीडीपी से ज्यादा है। सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक स्थित आवास समेत दिल्ली और हरियाणा में 30 से ज्यादा जगहों पर आज सुबह छापा मारा। सीबीआई ने ये कार्रवाई गुरुग्राम में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने यूएस से भारत एक्सपोर्ट होने वाली मोटरसाइकिलों पर 2 मिनट में आयात शुल्क आधा करवा दिया। पिछले साल ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो भारत से अमेरिका आने वाली जैसी मोटरसाइकिलों पर शुल्क बढ़ा देंगे। इसके बाद भारत ने हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी मोटरसाइकिलों के इम्पोर्ट पर शुल्क 50% घटा दिया था। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि भारत का ये फैसला सही था, हालांकि भारतीय शुल्क अभी भी अमेरिका के 2.4% से काफी ज्यादा है। बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता विनोद नारायण झा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। झा ने आज कहा कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, मुझे इसके अलावा उनमें कोई प्रतिभा नहीं दिखी। कांग्रेस ने प्रियंका को सुंदर होने के चलते राजनीति में उतारा, लेकिन चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं होने वाला।